गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, आज आप लोग की एक्सरसाइज 5 ही बताने जा रहा हूँ। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम और रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है। ठीक, द कॉस्ट ऑफ 55 ट्वाइजें 4410, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ट्वाइज। डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। द कॉस्ट ऑफ 55 ट्वाइज, मैंने 55 ट्वाइज का कॉस्ट है 4510। तो एक ट्वाइज, एक खिलौना का कितना होगा, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ 55 ट्वाइज, इक्वल टू 4510। द कॉस्ट ऑफ 1 ट्वाइज का निकालना है, क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ 1 ट्वाइज। यहां डिवाइड कर देंगे 4510 डिवाइडेड बाय 55, तो निकल जाएगा, क्योंकि 55 ट्वाइज का कॉस्ट है 4510, तो ये 1 ट्वाइज का कितना होगा, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और देखिए यहाँ पर 55 से छोटा है, ये हो गया 4051, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ देखिए कि 9 टाइम में कितना हो रहा है, 95 या 45 का 5 बैलेंस हुआ 4, और 95 या 45, 5 45 और 4 40, 4000 कितना होगा, 95, यानी बड़ा हो गया। ठीक, इससे नहीं होगा। ठीक, अब आइए 8 से देखिए, 85 या 40 का 0 बैलेंस हुआ 4, फिफ्टी फाइव में 9 से पहले चेक कीजिए, तो 5 में 9 से मल्टीप्लाई, 45 का 5 बैलेंस हुआ 4, 95 या 45 और 449, यानी ये बड़ा हो गया। इसे ये क्या बड़ा, ये 4 कितना आ गया, 495 या 451, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए 55 में 8 चेक कीजिए, 85 या 40 का 4 0 बैलेंस हुआ 4, और 85 या 40 और 440, यानी ये हो जाएगा, एक टाइम में हो जाएगा, तो हो जाएगा 85 या 40, 85 या 40 का 0 बैलेंस हुआ 4, 85 या 40 या 444। ठीक, यानी ये आपका हो जाएगा, ये हो गया। फिर एक बार देखिए 58 या 40 का 0 बैलेंस हुआ 4, 85 या 40, 40 में 4 ऐड करेंगे 44, और ये माइनस करेंगे 1 में 0 से 1, 5 में 4 1, और ये 44 ये कट गया, और क्या बच गया, 0, क्या बच गया, 0। अब देखिए 52 टाइम में जाएगा, कितना टाइम में, 2 टाइम में, कितना हो जाएगा, 52 या 10 का 0 बैलेंस हुआ 1, 52 या 10 1 11, यानी 82 का कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ 1 ट्वाइज इक्वल टू रुपीज 82, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 45 मार्बल्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेज विल बी नीडेड टू पैक 9090 मार्बल्स, यानी एक पैकेट में 45 मार्बल्स हैं, गुलियां हैं, तो 9090 मार्बल के लिए कितने पैकेट की जरूरत होगी, यानी इसको डिवाइड करना।
वन मार्बल्स आर, क्वेश्चन नंबर टू में मार्बल्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स 45, कितना है 45, मार्बल्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स 45, टोटल मार्बल्स इक्वल टू 9090, फाइंड द बॉक्स साइज, फाइंड द बॉक्स साइज, कितने बॉक्स की जरूरत होगी, 45 मार्बल्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेज विल बी नीडेड टू पैक 9090 मार्बल्स, यानी आपको कितने, एक बॉक्सा में आपको 45 मार्बल्स है तो 9090 अगर मार्बल है आपको कितने बॉक्स की जरूरत होगी, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड, फाइंड द बॉक्सेज, यहाँ हो जाएगा 9090 डिवाइडेड बाय 45, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यहाँ देखिए 45 टू 10 9, 45 से 9 क्या है छोटा है तो बगल में जीरो हो जाएगा, क्या बच गया ये जीरो, फिर क्या आ गया जीरो, ये टू यानी 90, कितना हो गया 90, कितना हो गया 90, 45 मार्बल्स आर पैक्ड इन ए बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेज विल बी नीडेड टू पैक 9090 मार्बल, यानी 202 द टोटल बॉक्सेज, टोटल बॉक्सेज इक्वल टू 202 टोटल बॉक्सेज 202, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर वन और टू मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर थ्री में है रोहित हैड 29,890 केजी ऑफ व्हीट, हाउ मैनी बैग्स विल बी नीड टू स्टोर द व्हीट इफ वन बैग कैन होल्ड 70 केजी ऑफ व्हीट, कह रहा कि रोहित के पास 29,890 किलोग्राम गेहूं है व्हीट, एक बैग में 70 केजी उसको रखा जा रहा है, तो कितने बैग्स की जरूरत होगी, कितनी बैग्स की जरूरत होगी, ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री, टोटल वेट्स, टोटल रोहित हैड रोहित हैड वेट ट्वेल्व टू 29,890 केजी, कितना है 29,890 केजी, वन बैग होल्ड विथ 70 केजी, फाइंड द बैग्स, फाइंड द बैग्स, रोहित हैड वेट्स, रोहित के बाद कितना वेट्स है 29,890, वन बैग होल्ड वेट्स 70 की, एक बैग में 70 केजी वेट रखा जा रहा है,
तो टोटल बैग कितने हों, कितने बैग की जरूरत होगी, नंबर ऑफ, तो फाइंड द बैग्स, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ 29,890 kg डिवाइडेड बाई 70 kg, ठीक, ये kg डिवाइड हो गया, 29,890 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 29,890, ठीक। अब देखिए 70 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 298 आ जाए, यहाँ पर सब कीजिए, 70 में 4 से कीजिए, 0, 7, 4 या 28, यानी 70 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 आ जाएगा, कितना आएगा, 280 यानी 4 टाइम में, कितना टाइम में, 4 टाइम में 280, 8 में 0 से 8, 9 में 1 से 1, ये कट गया, 8 में 0 माइनस करेंगे 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, इसके बाद क्या आ गया यहाँ पर, 9, क्या गया, 9, 189, 100, अब देखिए 70 को 2 बार में करके देखिए, 72 या ये 0, 40, अगर 70 में 3 से करेंगे तो 210 आएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये अब आपका हो जाएगा, ठीक, तो 70 में 2 से करेंगे तो 140, 9, 4, 1 में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, ये फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2, क्या हो गया, 2 हो गया, 72 या 40, अब यहाँ पर क्या है, 0, क्या है, 0, तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 में 0 से 0, 7, 7 या 49, यानी 427 टोटल बैग्स, यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल बैग्स ऑफ वेट इक्वल टू, ये वाला आपका रफ है, इसको अरेंज कर दीजिए, ठीक, टोटल बैग्स ऑफ वेट्स 427, ये आपका आंसर हो गया 427। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7, 8 है, ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा हूँ, ए सम ऑफ 42,912 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 72 चिल्ड्रेन, हाउ मच विल ईच चाइल्ड रिसीव एंड हाउ मच विल बी लेफ्ट ओवर, माने कितने बच्चे को रिसीव मिला और कितना बचा, ठीक, ये यानी डिवाइड करना, क्वेश्चन नंबर सिक्स टोटल टोटल मनी इक्वल टू रुपीज 42,912, कितने उसके पास पैसे हैं, 42,912, ठीक, टोटल चिल्ड्रेन सेवेंटी टू, तो कह रहे हैं कि कितने, हाउ मच विल बी ईच चाइल्ड रिसीव, वो कितने पैसे एक बच्चा को मिला, कि डिवाइड कर देंगे, ठीक, ईच चाइल्ड
रिसीव इच चाइल्ड रिसीव्ड कितना है रिसीव्ड किए केक कितने बच्चे रिसीव्ड किए केक इच चाइल्ड रिसीव्ड क्या करेंगे डिवाइड करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे डिवाइड डिवाइडेड बाय 72 72 divided by ठीक ये 72 है यहाँ पर 42,912 है 42,912 तो देखिए 5 टाइम में करके देखिए 72 में 5 से 5 टू या 10 का जीरो बैलेंस हुआ 1 7 5 या 35 36 360 और 6 बार में करते हैं 6 टू या 12 का 2 बैलेंस हुआ 1 7 6 या 42 अमाउंट 43 ये इससे बड़ा हो जाएगा ठीक ये नहीं होगा ये होगा ठीक 70 में 5 से करेंगे होगा 360 9 में 0 से 9 ये 2 है 6 है ये छोटा है बड़ा बगल से कैरी करेगा 12 में 6 मान जाएगा 6 ये आपका 3 थ्री में थ्री होगा जीरो यहाँ पर क्या आ गया वन क्या आ गया वन यानी 691 ठीक अब ये जाएगा 9 टाइम में देख लीजिए नाइन टाइम में 72 इंटू 9 9 टू या 18 का 8 बैलेंस हुआ 1 9 में 7 से 63 अवन 64 648 1 ये 9 टाइम में जाएगा यह हो जाएगा ये 5 क्या हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा 9648 फिर देखिए 5 टू जा 10 का 0 बैलेंस हुआ 1 7 5 जा 35 1 36 9 में 0 में 9 ये 2 है 6 है 2 छोटा है 6 बड़ा है बगल से कैरी किया 12 में 6 में 6 3 में 3 0 691 और ये 9 टाइम में जाएगा 9 टू जा 18 का 8 बैलेंस हुआ 1 9 7 जा 63 1 64 648 और माइनस हो जाएगा ये 1 छोटा है ये बड़ा है बगल से कैरी करेगा 11 में 8 में जोगा 3 यहाँ बच गया 8 तो 8 में 4 मैच होगा 4 ये कट गया अब इसके बाद क्या बचा 2 क्या बचा 2 क्या बचा है 2 तो 6 टाइम में कितना टाइम में जाएगा 6 टाइम में जाएगा ये देखिए 7 इन तो 6 टू या 12 का 2 बैलेंस हुआ 1 7 6 या 42 और 43 यानी 6 टाइम में 430 ये हो गया जीरो ये कट गया टू में टू मैच होगा जीरो थ्री में थ्री मैच थ्री फोर में फोर मैच होगा जीरो यानी कट यानी 596 यहाँ लिख देंगे इच स्टाइल इच रिसीव मनी
रुपीज 596। इसके बाद कर रहा है हाउ मच विल ईच चाइल्ड रिसीव, तो ईच चाइल्ड रिसीव्ड कितना 596 रुपीज ठीक। और हाउ मच विल बी लेफ्ट, कितना बचे, नो वन लेफ्ट, दूसरा क्या होगा, नो वन लेफ्ट, ये दूसरा का हो गया ठीक, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, इसलिए नो वन लेफ्ट ठीक, नो वन लेफ्ट हो जाएगा। इसमें कोई नहीं बचा ठीक, ये आपका हो गया नो वन लेफ्ट, कुछ नहीं, यानी कह रहा है कि सम ऑफ 42,912 रुपीज और इसको 72 चिल्ड्रेन में बांटना है ठीक ना, इच चाइल्ड रिसीव कितना, तो वो ये 72 से इसमें डिवाइड करेंगे 596 आ जाएगा, इच चाइल्ड रिसीव्ड माने 596। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच विल बी लेफ्ट ओवर, तो नो वन लेफ्ट, नो वन लेफ्ट। इस तरह में क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बता दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी डिवाइड करना है कि 3,525 ट्रॉफीज आर टू बी इक्वली पैक्ड इन 25 पैकेट, हाउ मैनी ट्रॉफीज कैन बी पैक्ड इन ईच पैकेट, कह रहा है कि 25 पैकेट में 3,525 ट्रॉफीज है, तो एक पैकेट में कितना होगा, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उसी तरह क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11,025 इफ वन ऑफ नंबर इज 49 फाइंड द अदर नंबर, एक नंबर क्वेश्चन बता देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू वन नंबर इनटू अदर नंबर, अदर नंबर निकालना है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय वन नंबर, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी ये हो जाएगा 11, अदर है, ये अदर निकालना है 11,025 डिवाइडेड बाय 49 ठीक, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड 49 डिवाइडेड बाय 11,025 कितना टाइम जाएगा, 49 में ये देखो 110 है, ये 49 है, टू टाइम में चल जाएगा, कितना टाइम में जाएगा, टू टाइम में हो जाएगा 9 टू जा 18 का 8 बैलेंस हुआ 1, 4 टू जा 8 1 9 माइनस करेंगे, ये 10 में 8 से 2, यहाँ 10 बचा 12, फिर यहाँ पर 2, फिर टू टाइम में, फिर टू टाइम में 98 हो जाएगा, 2 है 8 है 12 में 8 माइनस होगा 4, यहाँ पर 11 में 9 माइनस होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, 245 यानी 5 टाइम में चल जाएगा, कितने टाइम में करेंगे, 5 टाइम में, 95 जा 45 का 5 बैलेंस हुआ 4, 54 जा 24 यानी 225। द अदर नंबर आपका क्वेश्चन है फाइंड द अदर नंबर, देयरफोर अदर नंबर इक्वल टू 225। इस तरह आपको क्वेश्चन मैंने ये
इट्स साइड 5F में आप लोग को ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। और जो क्वेश्चन बचे हैं अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछिएगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज आप लोग एक्सरसाइज 5F बताने जा रहा हूँ, ठीक। इसमें फ्रेम ए वर्ड प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस, ठीक। एक्सरसाइज 5F में क्वेश्चन नंबर 1, 420 डिवाइडेड बाय 14, 14 मैंगोज, 14 मैंगोज कैन बी पैक्ड इन ए बास्केट, 14 मैंगोज कैन बी पैक्ड इन ए बास्केट। How many basket will be required to pack 420 mangoes, okay? 14 mangoes can be packed in a basket. How many baskets will be required to pack 420 mangoes? यहाँ टोटल मैंगोज फोर्टीन मैंगोज कैन बी पैक्ड इन वन बास्केट, 14 मैंगोज पैक्ड इन वन बास्केट। Find the total basket find the total baskets, ठीक। डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना। टोटल मैंगोज 420 है और एक बास्केट में 14 मैंगोज में रखा जा रहा है, तो टोटल कितने बास्केट होंगे, ठीक। 40 डिवाइडेड बाय 14, 420 डिवाइडेड बाय 14, इसको डिवाइड कर देंगे 3 टाइम में, 0 ये 0 हो गया, 30 कितना हो गया, 30 यानी द टोटल बास्केट 30 कितना हो गया, 30 टोटल बास्केट कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक। इस तरह एक क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर ए बस टैक्स, ए बस टैक्स
26 आवर्स आवर्स टू कवर कवर ए डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ 5,526 किलोमीटर किलोमीटर हाउ फार हाउ फार डज इट ट्रेवल इन वन आवर इन वन आवर ए बस टेक्स 26 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5,526 किलोमीटर हाउ फार डज इट ट्रेवल इन वन आवर एक बस है 26 आवर्स में 26 घंटा में इतना दूर तय करती है 26 आवर्स में 5,526 किलोमीटर तो वन आवर में कितना करेगी तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे क्या लिख देंगे ए बस टेक्स डिस्टेंस पर आवर डिस्टेंस ए बस डिस्टेंस चाहिए यहाँ पर लिख दीजिए टोटल आसान होगा टोटल आवर्स 26 चाहे टोटल टाइम भी कर सकते हैं यहाँ पर टोटल टाइम 26 आवर्स ठीक ए बस टेक्स 26 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5,526 किलोमीटर हाउ फार डज इट ट्रेवल इन वन आवर टोटल टाइम 26 आवर्स टोटल डिस्टेंस फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर हाउ फार डज इट ट्रेवल इन वन आवर जो बस है एक घंटा में कितना दूर तय करेगी ए बस ट्रेवल ट्रेवल ए बस ट्रेवल इन वन आवर ए बस ट्रेवल इन वन आवर कितना दूर तय करेगी ठीक टोटल डिस्टेंस है ए बस ट्रेवल इन वन आवर ठीक तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ए बस टेक्स 26 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5,526 किलोमीटर हाउ फार डज इट ट्रेवल इन वन आवर टोटल टाइम 26 आवर्स टोटल डिस्टेंस इतना तो एक बस एक घंटा में कितना दूरी तय करेगी ये 5,526 यहाँ देखिए यहाँ पर आपको ये बस यहाँ पर व्हील ट्रेवल टी आर ए वी एल ए बस ट्रेवल इन वन आवर एक बस कितना दूरी तय करेगी ए और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 26 आवर्स
डिवाइड कर देंगे, टू टाइम फिर फाइव में टू माइनस होगा थ्री, फाइव में पाँच जीरो टू, वन टाइम ये हो गया सिक्स, फिर ये देखिए ट्वेंटी सिक्स है, ये सिक्स है, यहाँ सिक्स, यानी ट्वेंटी सिक्स में टू से फिफ्टी टू, फिफ्टी टू यानी इसका हो गया कितना, ये फोर, यानी टू हंड्रेड ट्वेल्व, टू हंड्रेड ट्वेल्व। फिर देखिए ये फाइव ट्वेंटी सिक्स, ये थ्री हो गया, ये टू हो गया, ये थर्टी टू हो गया, फिर ट्वेंटी सिक्स वन टाइम में ट्वेंटी सिक्स, ट्वेल्व में सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया ये दे ट्वेंटी सिक्स में वन से ट्वेंटी सिक्स, ट्वेल्व में सिक्स सिक्स, थ्री में टू, ये हो गया आपका यहाँ साफ। यहाँ देखिए यहाँ पर ट्वेल्व में फिर एक बार देखिए ये ट्वेंटी सिक्स में टू से करेंगे कितना हो जाएगा, फाइव में टू थ्री, ये टू हो गया, आइए फाइव करिए, फिर टू आ गया, वन टाइम में ट्वेंटी सिक्स, ये सिक्स हो गया, क्या हो गया सिक्स, ये हो गया कट गया, फिर क्या बच गया सिक्स, क्या बच गया ट्वेंटी, ये सिक्सटी सिक्स बच गया। अब इसको टू टाइम में कितना टाइम में तो हो जाएगा फिफ्टी टू, सिक्सटी सिक्स में माइनस करेंगे ट्वेंटी सिक्स फाइव जाए, ये जो है ट्वेंटी सिक्स में टू से करेंगे ये फिफ्टी टू, ये सिक्स में टू फोर, ये हो जाएगा वन, यानी टू हंड्रेड ट्वेल्व, टू हंड्रेड ट्वेल्व। अगर चेक करना है तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक, देखिए 212 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 5512, इनमें 14 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, ये सिक्स टू फाइव फाइव, फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड, यानी ये आपका ये बस विल ट्रेवल इन वन आवर, कितना ये बस ट्रेवल ये बस विल ट्रेवल इन वन आवर हो जाएगा 212 14 बाई 26 किलोमीटर किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, ए बस विल ट्रेवल इन वन आवर 212 होल नंबर 14 बाय 26 किलोमीटर वह वन आवर में कर लेगी, ठीक, ए बस विल ट्रेवल इन वन आवर, एक बस ये जो टोटल डिस्टेंस तय करने में 26 आवर लग रहा है, तो एक घंटे में कितना होगा, तो एक घंटे के लिए क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया 212, ये 212 में ये हो गया आपका ए बस ट्रेवल इन वन आवर 212 होल नंबर 14 बाय 26 किलोमीटर पर आवर इन, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अगर चेक करना होगा जैसे मैंने बताया उसे चेक आप लोग कर सकते हैं, ठीक। और अब है एक्सरसाइज 5G, क्या है 5G में ये जो क्वेश्चन बचे हैं 1 2 3 मैंने दो बता दिया,
बाकी जो क्वेश्चन है आप अपने से ट्राई कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछेगा या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से अवश्य पूछेगी। इसके बाद एक्सरसाइज 5G में आप लोग को क्वेश्चन ये समझा देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। एक्सरसाइज 5G, 5G, ठीक। इसमें एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर टू नियरेस्ट 10। एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय राउंडिंग द नंबर टू नियरेस्ट 10, इग्नोर द रिमाइंडर इफ एनी, ठीक। माने 75 है, 37 है, तो 35 और 37 है, तो देखिए 75 डिवाइड बाय 37, ठीक। तो इसमें कह रहा है एस्टिमेट द क्वेश्चन, एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्वेश्चन बाय राउंडिंग ऑफ of the number to the nearest ten, quotient by rounding of the number to the nearest 10। ये 37 है, क्या है तो the number of the rounding राउंडिंग नंबर ऑफ द नियरेस्ट 10 इन 37 कितना होगा 40 हो जाएगा, क्या क्योंकि 1 प्लस पर 7 है, क्या है 7 है, 1 प्लस पर क्या है 7 है, ठीक। ये 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। और इसमें रिमाइंडर क्या करना है, ये एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय राउंडिंग ऑफ नंबर टू नियरेस्ट 10, और तो इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे 1 टाइम में, न टाइम में 1, ये 5, ये 3, यानी 1 हो गया, ये क्या हो गया क्वेश्चन क्या हो गया फाइंड द, ये देखिए आपका डिवाइजर है, एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट 10, इग्नोर द रिमाइंडर इफ एनी, 75 डिवाइडेड बाय 37, तो ये हो गया 40 और 41, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए एस्टिमेट द क्वेश्चन बाई राउंडिंग ऑफ नंबर द नियरेस्ट 10, इग्नोर द रिमाइंडर ऑफ एनी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में है कि 7555 कितना है 7555 क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ 7555 डिवाइडेड बाय 25, राउंडिंग नंबर टू द nearest 10 in 25 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा, क्या होगा 30 हो जाता है, क्या हो जाएगा 30। अब इसको डिवाइड करेंगे
सेवन, ये थर्टी कितने टाइम में जाएगा, ये टू टाइम, कितना टाइम में, टू टाइम में जाएगा, ये फाइव, ये हो गया वन, फिर यहाँ फाइव, फिर थ्री फाइव जाए, ये देखिए फाइव, ये जीरो, ये जीरो, ये बच गया, क्या बच गया यहाँ पर देखिए, ये थर्टी है, ये सेवन थाउजेंड फाइव फिफ्टी फाइव है, ये वन टाइम, ये टू टाइम में गया, थ्री थर्टी टू जाए सिक्सटी, ये फिफ्टीन हो गया, ये फाइव, फाइव में जीरो फाइव, ये कट गया, फिर ये फाइव आ गया, क्या गया फाइव, क्या बच गया फिफ्टी फाइव, क्या बच गया, ये थर्टी जो है ये छोटा, ये होगा ट्वेंटी, टू हंड्रेड फिफ्टी, टू हंड्रेड, क्योंकि ये फिफ्टी फाइव जो है ये, फिर देखिए ये थर्टी टू जा, यहाँ पर वन हो जाएगा, ये थर्टी वन टाइम में जाएगा, तो फाइव ये टू, यानी ये टू हंड्रेड फिफ्टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू, क्योंकि वन है, क्या है वन है, वन प्लस पर क्या है वन है, तो राउंडिंग नंबर, राउंडिंग नंबर टू टेन टू नियरेस्ट टेन इन 251 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एस्टिमेट द कोशेंट बाय राउंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट टेन, यहाँ पर 251 आ गया, तो 1 प्लस पर 1 है, ये 5 है, यानी ये 250 हो जाएगा, 250 क्या हो जाएगा 250, तो आपका आंसर हो गया 30 और 250, ये आपका आंसर हो गया, ये 30 हो गया, ये आपका क्या है, ये देखिए डिवाइजर है, ये 250 इसका कोशेंट है, क्या है कोशेंट, ठीक। इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर, मैंने वन का एफ बता दिया, अब एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर टू बता देता, क्वेश्चन नंबर टू इसमें दिया है 45 माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या किया गया 45 क्या है 45 व्हाट द डिवीजन फॉर्म, डिवीजन फॉर्म में लाना है, किसमें लाना है डिवीजन फॉर्म में, किसमें लाना है, तो 45 ये 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 45 यानी कितना जाएगा, यानी ये 45 में 45 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, यानी केवल इसको क्या करना है, व्हाट डिवीजन फॉर 45 माइनस 9 माइनस 9, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 लिख दिए, इसका फॉर्म है 0, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा 9 9 9 9, 45 में 45 माइनस करेंगे 0, इसको हम किसके रूप में लाना है, इसको डिवीजन फॉर्म में लाना है, 45 डिवाइडेड बाई 45 यानी 45 बाई 45, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अच्छा डिवाइड हो सकता है वन टाइम में, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, द कोशेंट इज 0 इफ द डिवाइडेंड इज 0, यस और नो, तो यस, कोशेंट अगर 0 है तो डिवाइडेंड भी 0 यानी यस हो जाएगा, ठीक। फोर में द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लाई, ये ट्रू या फॉल्स है, तो ट्रू है, क्या है ट्रू है। फाइव में डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस
रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है? डिवाइड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 जी मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसमें जो क्वेश्चन बचे अपने से ट्राई कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम है तो मैंने नेक्स्ट क्लास में वस पूछिएगा या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से वस पूछिएगा। थैंक यू।